मैं प्रकाश बागड़ी बागड़ी ऑटो क्लब में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम मारुति जिप्सी को रिपेंट होते हुए देखेंगे। वीडियो में आप देख पा रहे हैं पेंट होने से पहले इसकी हालत कैसी है। सैंड पेपर से सैंडिंग के बाद हम इस पर पुट्टी अप्लाई करते हैं। जब तक मैं पुट्टी अप्लाई करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुट्टी एप्लीकेशन में सभी डेंट को ठीक से कवर करना होता है। पूरे व्हीकल पर ठीक से पुट्टी एप्लीकेशन हो जाने के बाद उसकी सैंडिंग की जाती है। पुट्टी सैंडिंग करते समय बहुत सी बारीकियों का और बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। पुट्टी की सैंडिंग करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में नहीं। जब तक मैं पुट्टी की सैंडिंग करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुट्टी सैंडिंग हो जाने के बाद व्हीकल को क्लीन किया जाता है और फिर प्राइमर सरफेसर अप्लाई किया जाता है। प्राइमर सरफेसर अप्लाई हो जाने के बाद व्हीकल को फिर चेक किया जाता है। व्हीकल पर कोई बारीक स्क्रैच या पुट्टी की जरूरत हो तो पुट्टी चेक की जाती है। प्राइमर सरफेसर की सैंडिंग की जाती है। प्राइमर सरफेसर की सैंडिंग के बाद हमारा व्हीकल पेंट के लिए तैयार है। पेंट से पहले हम इसकी वॉशिंग और क्लीनिंग कर लेते हैं। हम इसके ऊपर प्राइमर या स्कॉट अप्लाई कर रहे हैं। बेस कोट अप्लाई हो जाने के बाद फाइनल पेंट कोट अप्लाई किया जाता है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलते रहें। Thanks for watching my video.